सुनो ना, दोनों का ही नाम नहीं आ पाएगा। इतने सब कुछ करने के बाद भी सुधीर भैया नाम कमाने पारस भाई है। अब प्रश्न करो क्यों? आप तभी हार देते हो जब घर में आते हैं। और इस व्यक्ति का पूरा नगर घर है। हर घर में आपको पारस पापीडाल मिलें, ग्रास देने पहुंच जाएंगे। अब आपका नाम तो आ ही नहीं सकता। वो आप कहेंगे, गुरुजी हमने तो 4 महीने चौके लगाए थे, तुमने भले लगाए थे, लेकिन सर्वाधिक आहार किसने दिए? लो इनाम वो लेके चला जाएगा। अब प्रश्न करो, इसका मतलब ये मत सोच ले कि एक चंद्र का कांत का लड़का चंदू का, कि अब तो मैं जीवन में कभी चौका लगाऊंगा ही नहीं। बोले चौका आहार देने ही जाऊंगा, मैं तो सब ऐसे ही नियम ले लेंगे तो देने जाओगे कहां? बिराजो जल्दी जल्दी बैठो। प्रधान बलिया, जो प्रधान होता है वो बलवान होता है। प्रधान होता है वो बलवान होता है। आप कहीं भी जाओ, जिसको मुखिया बना के लेके जाओगे, इंजीनियर साहब सुरेंद्र भैया मुमुक्षु, आपके नगर में आप इकलौते इंजीनियर हो क्या? बहुत हैं, पर रायपुर वाले आपका परिचय क्यों देते हैं? प्रधान ये अधिकारी है ना इंजीनियरों के बीच में। प्रधान बलिया मित्र, प्रधान बलिया, जो मुखिया होता है वो बलवान होता है। नीम्रवन आम्रवनवत, नीम्रवन आम्रवनवत। अब इस सिद्धांतों को पंडित, ये प्रज्ञा काम में आना चाहिए व्यक्ति के, कि एक ही स्थान पर लिखी बात को वहीं तक मत छोड़ दीजिए। प्रवचन सारजी में आम्रवन नीम्रवन की व्याख्या लिखी कि नहीं? बराबर, जैसे ज्ञानी मऊ नीम के वन है, नीम का बगीचा है, और नीम के बगीचे में 5 वृक्ष लगे आम के, बगीचा किसका कहलाएगा? किसका कहलाएगा? आम का, नीम का। अभी आम के वृक्ष, आम के वृक्ष मित्र रोने लग जाए, अथवा अथवा क्या करने लग जाए? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो क्या करते देश के साथ? हड़ताल। अब आम के वृक्ष हड़ताल करने बैठ जाए, बोले मेरे नाम कीजिए, मेरा नाम कीजिए। मित्र क्या कर सकते हो, प्रजातंत्र है, इसमें संख्या देखी जा रही है। नीति जैनियों की पहचान गुणवत्ता में कितनी बड़ी है, तब भी कोई नेता नाम नहीं लेता। मित्र नीम का बगीचा बोलेंगे, लेकिन आम के पौधों से मेरी तरफ से कह देना, तुम भले नीम के बगीचे में हो, आप अपनी संख्या नहीं है, इसलिए रो मत, रो मत। जब जब आम खाने की इच्छा होगी ना राजा को, तब निबोरी नहीं खाने आएगा, तब तुम्हारे ही नीचे आएगा। इसलिए जैनियों तुम रो मत, भले कोई बड़े नेता तुम्हारा नाम ना लेते हो, तब भी तुम मुस्कुराओ जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, तो फिर तुम्हारे पास ही सहयोग अपना सलाहकार तुम्हें ही बनाने आएंगे। आप टेंशन मत लो, मत टेंशन लो, दान की बात आएगी, द्रव्य की बात आएगी, तो मित्र चलती फिरती बैंक के पास ही दुनिया के नेता आते हैं। हो इसलिए घबराना नहीं मित्र, आम्रवन नीम्रवन विराजो। अब पंडित जी आम्रवन नीम्रवन की व्याख्या किए, और जहां पर आम का ही बगीचा है वहां कोने कोने पर नीम के वृक्ष भी लगे हुए हैं, बगीचा किसका कहलाएगा? आम का। बराबर, तो बलवान कौन होता है? प्रधान बली होता है। प्रधान ज्ञानी पापड़ीवाल प्रधान बलि होता है, प्रधान बलि होता है। और जब प्रधान बलि होता है तो अपने आप को हीन नहीं मानना चाहिए,
कोई संख्या की अपेक्षा से बलवान है, कोई बुद्धि की अपेक्षा से बलवान है, कोई गुणों की अपेक्षा से बलवान है। हर व्यक्ति में अपना अपना बल होता है। विश्वास रखना, हजारों नीम के बीच में एक का आम वृक्ष भी होगा पर अपने गुणों में वो बलवान ही होगा। यदि इस सूत्र के अनुसार नहीं जिएंगे आप लोग और ये जैन मुड़रास इस सूत्र के अनुसार नहीं जिएंगे तो मालूम आज सारे देश में यदि कोई एक नए युवक ने मुनि दीक्षा ली, अब दोषी जी मुनि बनते ही वो ऐसे देखता मंडप में, यहां सारे कपड़े ही कपड़े पहने बैठे हुए, मैं अकेला ही क्या कर बैठा। बेटा तुम हीन भावना जाके पागल हो जाओगे। हीन भावना में जाके बोले मैं अकेला नंगा, ये सब कपड़े कपड़े पहने खड़े हुए, मैं पागल हो गया, मैंने क्या निर्णय कर लिया। ठहर 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 ठहर, घबराओ मत। तुम अपने आप को नंगा देखोगे ना तो जरूर पागल हो जाओगे। तुम तो ये देखो, दोषी जी ने अपना मकान बनवाया, हुकमचंद सेठी ने नागपुर में अपना मकान बनवाया, पर हर एक मकान बनवाने वाले आदमी की, यानी सोनी औरंगाबाद मित्र, एक सोनी और था वो इंदौर मित्र, अब से ईमानदारी से बोलोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे। सोनी तुम चारों से, मेरा पांचों से प्रश्न है, जब भी मकान बनाओगे मन क्या बोलता है? अब जब बना ही रहे पापड़ी वाल जी, बना ही रहे ना, तो ऐसा बनना चाहिए अब मोहल्ले में किसी का ना हो। बराबर, कितना द्रव्य लगेगा तो तुम रोने लग जाओगे। और ये सोचा ऐसा बनना चाहिए कि नगर में ही किसी का ना हो। जब बनाए रहा हूं मैं जमीन से, तो फिर तो आप विश्वास मानना, जो बने बनाए क्या आजकल चल रहे हैं, फ्लैट फ्लैट ले रहे ना, उनमें फ्लैटों में रह जरूर लो, पर जो आनंद स्वयं का जमीन से ऊपर तक बनाता ना, वो घर कहलाता है, वो अपना घर है, और वो तो फ्लैट है। अब से उज्जैन फ्लैट है। अब मित्र विश्वास में जब आपने स्वयं बनाया, बोले मैंने जमीन से बनाया है, और जमीन से बनाते समय जीव क्या सोचता है, इतना सुंदर होना चाहिए कि पूरे नगर में ना हो। जब तुम एक मकान वैसे क्या देखते सबके समान, जब तुम नगर में अपने मकान को अलग से दिखाना चाह रहे हो तो मांगलाल पंडित साहब मित्र देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप कहां चले गए थे, ये पांचों भाई लोग क्या करें, मैं ऐसा मकान बनाना चाहता हूं जो गांव में अलग से दिखे। मित्र ए दिगंबर मुर्दाज बन करके कहीं ये कपड़े धारियों को देखें, बोले मैं कहां पागल हो गया। अरे फिर तुम ये मत सोचो, तुम ये सोचो जब मकान ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी का नहीं होना चाहिए, मेरे मित्र हमारी ऐसी मुद्रा है दुनिया की किसी है ही नहीं है, तो तुमको आनंद आने लग जाएगा। जब भेष का आनंद आने लग गया, अब ठहरिए प्रतिपक्ष, अब तुम साधु बन गए, अब साधुओं के बीच में हो, यहां भी कुछ सोचो ना। जब तुमने मकान को अलग बना के देखा, फिर तुमने साधु भेष ला के बनाने का देखा, अलग अलग संप्रदायों में कितने प्रकार के साधु संत अपना अपना भेष बनाए कि नहीं बनाए, बोले हमारी अलग पहचान। ज्ञानी फिर साधु बनने के बाद अब करो पहचान अपनी, अब भेष की पहचान तो कर नहीं सकती हो। और दूसरी व्यवस्था क्या है यहाँ पर दोस्ती जी, कपड़े की व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो जिसको दोषी जी अच्छे दिख, जो मुर्दा दोषी जी को अच्छे लगते हो ना उनको अच्छे कपड़े दे जाते, पापीड़ा अपने इस गुरु को अपने दे जाता, ये अपने अपने पर अलग अलग दे जाते, लेकिन यहाँ वो व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ तो सबको समान कर दिया। बोले ये तो प्रकृति का भेष है, तुम जितने सुंदर स्वयं में होगे वो हो सकते हो लेकिन अच्छे कपड़े नहीं मिल सकते। तो अब विशेषता कैसे प्राप्त करूँ, भेष तो एक सा हो गया, अब बेटा करो विशेषता, या तो तपस्या करके करो या ज्ञानी बन के करो या ध्यान करके करो, अब ये तुम्हारी निजी विशेषता होगी, बाहर की विशेषता काम में नहीं आएगी। विशेष कौन बनाएगा विराजो ज्ञानियों, इसलिए अहो श्राप को बाहर के लिवाजों से विशेष होके जी लेना एक कठिन काम नहीं है।
भीतर की शक्ति उत्पन्न करके विशेष बन के दिखाओ, ये विशेष पुरुषार्थ का काम है। देखा, छोटे छोटे बच्चों से बूढ़ों तक को मैंने देखा, सब अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपने हिसाब से अच्छे दिखना चाहिए, बराबर। आजकल तो जितने तरीके के कपड़ों की कटिंग नहीं हो रही, उतने चौगनी तो बालों की कटिंग हो रही है। ओह हो, जितने प्रकार से तुम सब बाल कटवा कटवा के आ रहे हो, ओहो बिलिंगियां बनवा बना के आ रहे हो, मित्र ऐसे भावों को आप छील छील के आओ ना। आ जैसे बाल सुंदर दिखाते हो, ऐसे भाव सुंदर दिखाओ तो बाल के केश लुंचन हो जाए। जब तक केश लुंचन थोड़ी होंगे हार्दिक रवि के, क्योंकि बाल की कटिंगें जब तक सुंदर हो रही हैं, इसका मतलब कोई ही त्यागी सुंदर बाल कटिंग कराए आ रहा है, इसका मतलब ये भाव सुंदर नहीं है, भाव सुंदर नहीं। पर जिन्होंने वैराग्य और संसार शरीर भोगों से वृक्त होकर के केश रंजन किए, उनके तो भाव शुद्ध हैं। और जिन्होंने भेड़ जैसी ऊन जैसे खींच लेते ना लोग, ऐसे निकलवाए हैं, उनके भाव शुद्ध नहीं हो सकते। कुछ प्रश्न है क्या भैया? ओह सत्ता पड़पक्खा, कठिन विषय को तुम कैसे सरल कर सकते हो और सरल विषय को कैसे कठिन कर सकते हो, ये प्रज्ञा तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और यदि ये विषय सुधीर भैया समझ में आ गया ना, ये भैया अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष सुधीर भैया, ये युवा विद्युत बना के रखा भाटा पारे समाज ने, यदि इस प्रकार की समाज के अंदर जागृति वृद्धों में आ जाए कि युवाओं को आगे बढ़ाएं, तो देश का और समाज का जरूर विकास होगा। पर युवाओं का धर्म है वृद्धों की सलाह लेना ना छोड़ें और वृद्धों का सम्मान देना ना छोड़ें। पीयूष, भले पिताजी पीछे बैठा हो, तुमको आगे बना के बिठा दिया है, पर अधिकार में आकर के पिता को धक्का मारना मत सीखना, पिता को सम्मान देना ही सीखना। पिता से मतलब संपूर्ण समाज, क्योंकि अध्यक्ष हो ना, तो अब अध्यक्ष के नाते तुम्हारा पिता भी समाज का सदस्य, तुम तो स्वामी हो ना। राजा का पिता भी एक दृष्टि से प्रजाई होता है, बराबर प्रजाई होता है। इसलिए पद मिलते ही विनय मिल जाना चाहिए। जैसे मालूम वो रारा है ना, रारा किलासराय बहुत ज्ञानी जीव है, लिखते ही रहता भैया, लेकिन सुधीर के साथ ही गया बंबई और चौपाटी पर जाकर के चाट खरीदता है। अब जैसी चाट आई तो चाट आते ही काट की चम्मच मांगता है, समझ गए ना। लेकिन चाट जैसी आई तुरंत कहता है रवि, रारा जी कहते बोले खटाई, बिना चटनी के चाट कैसे, बिना चटनी के चाट कैसे। मित्र जैसे तुम अपने घर में हो चाहे बाहर हो, चाट मांगते ही खटाई डलवाते हो और चम्मच ले लेते हो, ऐसे जैसे तुमको कोई पद देना चाहे, आपको शासन देना चाहे, तो जैसे तुम यूं धोना कर देते हो, इसमें खटाई डाल दो थोड़ी सी। मित्र कन्नू भैया घर जाते ना, कोई किसी ने आपको भोजन परोसा, दूध रोटी परोस दी, तो तुम धीरे से कहते देवी इसमें बूरा तो डाल दे। यानी जैसे दूध रोटी में बूरा मांगते हो, चाट में खटाई चटनी मांगते हो, ऐसे मित्र पद मिलते ही कहना इसमें विनय की चटनी डाल दो। ओहो, जिससे कि हम समाज में वो काट की चम्मच से अपने पद को संभाल सके। सुना भैया, सारी विद्या यहाँ है इस ग्रंथ में। बहरो, किसी वृद्ध का अपमान मत करना, स्वप्न में भी नहीं करना, क्योंकि उनको बहुत धक्का लगता है। मैंने देखा एक दिन, पीयूष इन आँखों ने देखा, एक युवा आचार्य थे 28 साल के,
उनका एक शिष्य था वृद्ध 80 साल का, कोई भूल हो गई होगी, 28 साल के युवा आचार्य ने ऐसे डांटा, मैं देख रहा था, मेरा हृदय से बोलूं मेरा मन क्या हो रहा था, महाराज ठीक है तुम गुरु अधिकार है, पर अधिकार का प्रयोग बात्सल्य के साथ भी किया जा सकता है, अधिकार का प्रयोग प्रदीप बात्सल्य के साथ भी किया जा सकता है। उन्होंने जैसे डांटा मेरी आंखों में आंसू आ गया, डांट उनको पड़ी, इस बात पर आया जितने बड़े आचार्य थे वो वृद्ध के उतने बड़े पोते थे, उम्र को तो देख लेते, सबके सामने ऐसा मत डांटो कि सामने वाले के श्रद्धा ही चकनाचूर हो जाए, परंतु शिष्य का कर्तव्य है ऐसे काम न करें कि गुरु को डांटने का पड़े, ये भी शिष्य के द्वारा गुरु की हत्या है। अस्सी साल के वृद्ध मुनिराज थे, 28 साल के आचार्य ने जब उनको डांटा तो मुझे लगा उन बेचारे का चेहरा ऐसा हो गया, महाराज का ऐसा चेहरा कुमला गया, सांप की फुंकार से जितना जहर नहीं चढ़ पाता उतना आदमी की फुंकार से चढ़ता है, इसलिए हर व्यक्ति से प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो प्रतिपक्ष, क्योंकि ग्रंथ जो है प्रतिपक्ष, ये ग्रंथ राज कह रहे हैं प्रतिपक्ष बहुत गहरा है, कुमार जी जितनी शांति से आप लोग यहां सुन रहे हो प्रतिपक्ष को, यदि ऐसे शांत जिसे प्रतिपक्ष के सिद्धांत को अंदर रख लिया अशांति आ ही नहीं सकती, अशांति नहीं आ सकती, प्रतिपक्ष सिद्धांत गहरा है।